किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा और लगातार हरियाणा की यदि बात की जाए तो सरकार में मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या फिर किसी बड़े पद पर विराजमान कोई नेता है, तमाम लोगों का ग्रामीण आंचल में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जगह जगह, वो चाहे कैमला गांव जो कि घरौंडा के अंदर पड़ता है, वहां पर मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं उतरने दिया गया। उसके बाद तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए जिसको लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का खासा विरोध जो है किसानों ने किया और वहां से वापिस उन्हें लौटना पड़ा। और इसी कड़ी में जैसे ही कार्यक्रम का पता चला कि पानीपत में कल इसराणा खंड में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आने वाले हैं, तो उसको लेकर किसान लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इसी बीच प्रदेश के जो है उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल हमारे साथ हैं और अब लगातार आप जो है भूमिका पानीपत में खास तौर पर मैं देखने को मिल रही है कि सक्रियता आपकी काफ़ी है। तो कल कार्यक्रम है, आज क्या मीटिंग की गई, क्या इसका रूपरेखा तैयार की गई है, विरोध किया जाएगा या फिर उनका कार्यक्रम होगा? देखिए, जो आज मीटिंग की गई है वो सर्वसम्मति से पास किया गया है कि किसी भी कीमत पर दुष्ट चौटाला को पानीपत की धरती पे, इसराणा की धरती पे नहीं उतरने दिया जाएगा। और ऐसे ही 2 बार पहले भी कोशिश कर चुका है इसराणा में आने की, ये 3री नाकाम कोशिश है दुष्ट चौटाला की इसराणा की धरती पर आने का। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान और मजदूर भाइयों से अपील है कि कल सुबह 9 बजे क्या सुबह 7 बजे ही भारी से भारी संख्या में किसान, जवान, चाहे बुजुर्ग है चाहे बच्चा है, सभी ने वहां इसराणा की धरती पर पहुंचना है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। जब किसान मोर्चा का आह्वान है, 7 महीने हो चुके हैं, 500 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर उस किसी गांव में घुसना है तो पहले हमारे जो बॉर्डर पे हमारे किसान भाई बैठे हैं वहां बॉर्डर पे जाना होगा, उनकी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद किसी गांव में घुस सकते हैं। अगर फिर भी कल आने की कोशिश की तो श्रम पानीपत प्रशासन और दुष्ट चौटाला की जिम्मेवारी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि बावजूद संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आह्वान जरूर किया गया सरकार से, तब तक कृषि कानून जो हैं वो कहे गए उसको आप जैसे कि काला कहते हैं वो वापस नहीं होते, उसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, फिर कार्यक्रम हो रहे हैं? आपकी तरफ से कहा है कि कार्यक्रम तब तक न करें, सरकार कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री ग्रामीण आंचल में ना जाए, किसानों के बीच न जाए, विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय किसान और मजदूरों के सामने पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या वायदे किए थे। इन लोगों ने कहा था कि हम किसान और मजदूर के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, किसान और मजदूर पे कोई भी दिक्कत आएगी हम नहीं आने देंगे अगर हमारे को वोट दोगे। लेकिन जब हमारे किसान और मजदूरों ने अपनी वोट दे के कुर्सी में बैठा दिया तो वो हमारे विरुद्ध ही कार्य करने में लगे हुए हैं, हमारे जख्मों पर रोजाना नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, इन काले कानूनों को ठीक बता रहे हैं, यानी कि कुर्सी के चिपकने के लिए इतना सब कुछ खो बैठे हैं। चौधरी देवीलाल का पड़पुत्र होने के बावजूद उनका भी नाम खराब करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा दुष्ट चौटाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा, किसान और मजदूर की वोट लेके और उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, उन्हीं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवा रहा हो और इस समाज को बांटने का काम कर रहा हो, दंगे भड़काने का काम कर रहा हो, भाईचारा खराब करने का काम कर रहा हो। ऐसे उप मुख्यमंत्री को हम किसी या मुख्यमंत्री को JJP या BJP को किसी भी गाँव में नहीं घुसने देंगे। आह्वान हो चुका और ये लोग देख भी चुके हैं, चाहे दुष्ट चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे रोहतक हो, चाहे कैमला हो, चाहे हिसार हो, ये देख चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कल उसको किसी भी कीमत पे धरती पर नहीं उतरने देंगे, इसराणा की धरती पे। बिल्कुल, इसराणा में जो है सरपंच है उनकी तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति है, किसानों से क्या बातचीत हुई, पदाधिकारियों से किस तरह से आपने रणनीति तैयार की गई है उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, इसराणा के आसपास के लोग आग बुगुला है इस बात को लेकर, और मैं तो सरपंच को भी कहना चाहूंगा, 2 बार आपने मुंह की खानी पड़ी है। जब क्षेत्र के लोग इकट्ठा होते हैं, विरोध करते हैं, तो पहले ही आप मना कर देते हैं, तो आज भी मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो हमारा भाई अगर है तो उसको कह दे वो ना आए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब क्षेत्र के लोग नहीं चाहते इस बात को, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, उसके पैर इस जमीन पर नहीं रखना देना चाहते और वे इस क्षेत्र का भाईचारा खराब करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ दंगा भड़काने के लिए आ रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है? अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। अब कल की यदि बात की जाए तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है सरकार
सरकार जो है MSP पर जो है 72 रुपये अभी बढ़ाए हैं धान की फसल को लेकर के बात की जाए, तो वो कह रहे हैं कि हम किसानों की सुन रहे हैं, एक एक दाना प्रोक्योरमेंट की जा रही है, एक एक दाने को प्रोक्योर किया गया, आप उस चीज़ को डिनाई कैसे करते हैं? हम किसानों के हित से ये कहा जाए, यही तो बात है, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो ये करते नहीं। यानी कि MSP की बात करें तो 1850 रुपये मक्का का MSP है, लेकिन एक दाना भी नहीं खरीदा, 1200 और 1000 रुपये में हमारा मक्का पिट रहा है। इस तरह ही जो गेहूं की बात है, हजारों क्विंटल जो अभी तक बाट देख रहे हैं किसान बेचने के लिए, गेहूं बिक भी नहीं पाया है, जो गेहूं बिक भी गया उसकी अभी पेमेंट नहीं आ पाई है, जो गन्ना एक साल से शुगर मिल में डाल रहा है उसकी कोई पेमेंट नहीं आई है। साहब ये बताओ, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हो, केंद्र सत्र पर करनी पड़े, हालांकि ये जरूर कहा है कि इन कृषि कानूनों में कोई गलत नहीं है, आपको गलत लगता है, तो ये विरोध जो है लगातार निरंतर जारी रहे। देखिए, ये जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे और MSP का खरीद का गारंटी का कानून पूरे देश में नहीं बन जाता, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और ये 7 महीने से आंदोलन चला हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आदमी जो परमात्मा के पैदा किए हुए हैं, ये परमात्मा की कृपा से आंदोलन चला हुआ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो अब दूसरी बात, कहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कल का कार्यक्रम आपका जो है पंचकूला चंडीगढ़ भी है, तो इस वजह से तो नहीं ऐसे कार्यक्रम रखे गए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस दुष्ट चौटाला को ये पता है कि कल भारी से भारी संख्या में ट्यूबवेलों के कनेक्शनों ना होने के विरोध में और जो 3 काले कानून है इसके विरोध में राज्यपाल को पूरे देश में सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिए जाएंगे। वो सोच रहा है कि दुष्ट चौटाला के खूटा खाली हो जाएगा, यहाँ के किसान अग्रणी किसान और मजदूर हैं जो वो चंडीगढ़ में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव में हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो सारे के सारे कल देख लेना सो वो सड़कों पर होंगे, उसको किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। इतने किसान जो है वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा कोई अनुमान है? ऐसी बात अनुमान ये है कि बहुत बड़े गाँव है इसराना, वहाँ और आसपास के क्षेत्र के लोग और पूरा पानीपत के जो लोग हैं, चाहे किसान है चाहे मजदूर, वो भारी से भारी संख्या में, कई हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे। ये थे सत्यवान नरवाल, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से हर ग्रामीण क्षेत्र में, हरियाणा के विभिन्न जिलों की यदि बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो तमाम जगह इस तरह का विरोध जो है जारी है और किसान डटकर ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। और कल इसराना में उप मुख्यमंत्री जो कि वहाँ पहुँचने वाले हैं, उसको लेकर भी उन्होंने रणनीति तैयार की है और लोगों से आह्वान किया है कि वहाँ पहुँचे और उनका विरोध करें। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कल के कार्यक्रम में क्या उप मुख्यमंत्री बैरंग लौटेंगे या फिर उनका कार्यक्रम वहाँ पर ऐसे संपन्न होने वाला है। ये तमाम पहलुओं पर सिटी तहलका की नज़र रहेगी। देखते रहें सिटी तहलका, सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।